स्वागत है दोस्तों आपका ट्रैवल इन्फो विद हनीफ में। दोस्तों दुनिया की बड़ी रेलवे सेवा में हमारे देश का नाम आता है। दोस्तों अभी लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद में रेलवे सेवा फिर से शुरू होने वाली है, मगर कोरोना का संक्रमण अभी बाकी है। हमारे देश का लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद 15 अप्रैल से रेल सेवा शुरू होने की संभावना है, मगर इस बीच एक अहम फैसला लिया गया है कि रेलवे सीनियर सिटीज़न यानी ज्येष्ठ नागरिक को जो टिकट में रियायती सहूलत देता था वो इस बीच नहीं मिलेगी। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद रेल सेवा फिर से शुरू होगी, मगर अभी भी कोरोना बीमारी हमारे देश में बाकी है, इसलिए लोगों ने और ख़ासकर सीनियर सिटीज़न ने रेल से बगैर ज़रूरत सफ़र करने को टालना चाहिए, ऐसा सरकार का मानना है। ऐसा समझ में आता है कि 15 अप्रैल से शुरू होने वाली रेल सेवाओं में सीनियर सिटीज़न को रियायती सहूलत नहीं दिया जाएगा। याद रहे सीनियर सिटीज़न यानी ज्येष्ठ नागरिक को रेलवे यात्रा के दौरान अभी तक के महिलाओं को 50% की रियायती सहूलत मिलती थी और पुरुषों को 40% की रियायती सहूलत मिलती थी। अब ये फैसला हो सकता है कि सिर्फ कोरोना से निपटने के लिए लिया गया हो। जैसे ही हमारे देश से कोरोना का असर ख़त्म हो जाए तो फिर से उसके बाद ज्येष्ठ नागरिकों को फिर से ही रियायत मिलने लगे, ऐसा हो सकता है। दोस्तों 15 अप्रैल से रेलवे टिकट का रिजर्वेशन यात्रियों ने पहले से ही शुरू कर दिया है। 16 से 20 अप्रैल के दरमियान के अनेक एसी और स्लीपर क्लास के टिकटों का आरक्षण हो चुका है और इन ट्रेन प्रतीक्षा सूची भी बनके तैयार है। और 15 अप्रैल से कई रूटों पर शुरू होंगी स्पेशल ट्रेनें, यानी भारतीय रेलवे की तरफ से 15 अप्रैल से लंबी दूरी की ट्रेनों को चलाना शुरू किया जाएगा, जैसे मुंबई CST से दिल्ली, हज़रत निज़ामुद्दीन से यशवंतपुर और मुंबई LTT से गोरखपुर, इन जैसे लंबी दूरी वाले रूटों पर ट्रेनें चलाई जाएंगी और लोकल स्टेशनों से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों को भी शुरू किया जाएगा। इसमें जिन लोगों ने ऑनलाइन टिकट बुक किया है और उसमें RAC और वेटिंग लिस्ट ज़्यादा होने की वजह से कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये छोटा सा अपडेट आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।